हे गाइस नमस्ते, मैं अनुकुमारी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नर्सिंग बिहार में। पीरियड्स के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है, आखिर गर्भ ठहरने का उचित समय कौन सा है, ओवुलेशन पीरियड कौन सा है, तो चलिए आज हम जानते हैं आपके कुछ चुनिंदा सवालों का जवाब। तो अगर आपके भी मन में ये सारे सवाल हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ बनना लगभग हर महिला का सपना होता है, लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो पाता है। इसकी वजह से काफ़ी सारे दंपति ऐसे होते हैं जो कि बहुत परेशान होते हैं। शायद आप नहीं जानते, गर्भधारण करना या फिर गर्भधारण नहीं करना संबंध बनाने के उचित समय पर निर्भर करता है, क्योंकि पूरे महीने में मात्र एक समय ऐसा होता है जिस टाइम संबंध बनाने से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है गर्भ ठहरने का। चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं जिसे जानकर आप समझ जाएंगे कि कब संबंध बनाने से आपको प्रेगनेंसी हो सकती है और कब संबंध बनाने से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पीरियड के कितने दिन बाद आप संबंध बनाएंगी तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। लेकिन गर्भधारण तभी हो सकता है जब एग यानी कि अंडा पूरी तरह से फर्टाइल हो, निषेचन के लिए पूरी तरह से तैयार हो, यानी कि पूरी तरह से वो परिपक्व हो, तभी आपकी प्रेगनेंसी लग सकती है। बस आपको ये जानकारी रखनी है कि अंडा जो एग है आपका वो फर्टाइल कब होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके लिए आपको अपने मासिक चक्र को इस तरह से समझना होगा, मैं सबसे आसान तरीका बता रही हूँ आपके समझने का, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने मासिक चक्र को समझिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका जो है मासिक धर्म इस मंथ में एक तारीख को आया है, ठीक है, तो अगर आप इस एक तारीख से लेकर अगर 10 तारीख के बीच में संबंध बनाती हैं तो आपका प्रेगनेंसी लगने का चांसेस बहुत ही कम है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक अगर आप संबंध बनाते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी लगने की 80% चांसेस है। तो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आप 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक में आप संबंध बनाएं, आपको प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं तो आप जो है इस 10 दिन को बिल्कुल भी संबंध ना बनाएं, इस 10 दिन को अवॉइड करें। और अगर इस 10 से लेकर 20 तारीख तक अगर आपने संबंध बनाया तो आप प्रेग्नेंट हो जाइएगा, और अगर इस 10 दिन के बाद पीरियड आने तक आप संबंध बनाइएगा तो बिल्कुल भी आपकी प्रेगनेंसी लगने के चांसेस नहीं होते हैं, यानी कि 0%। गर्भधारण का निश्चित समय होता है और निषेचन के लिए अंडा का फर्टाइल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। 30 दिन के पूरे महीने में ये समय सिर्फ 4 दिनों के लिए ही होता है, लेकिन आपको यहाँ पे 10 दिनों का समय बताया गया, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका जो पीरियड है वो 2-3 दिन आगे या फिर 2-3 दिन पीछे होता है, जिसकी वजह से आपको 10 दिन का ड्यूरेशन दे दिया गया है। आप इस 10 दिन में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो ओवुलेशन पीरियड है वो ओवुलेशन पीरियड कब है। आप अपने ओवुलेशन पीरियड को पहचानने के लिए आप ओवुलेशन किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, या फिर आप अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को नोट कर सकते हैं जिसकी वजह से आप ये जान सकते हैं, क्योंकि जब ओवुलेशन का पीरियड आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपापन होता है और आपका जो है वाइट हल्का सा डिस्चार्ज भी होता है। तो आप इन सब सारे सिम्टम से जान सकते हैं कि आपका ओवुलेशन का पीरियड है। तो चलिए जानते हैं ओवुलेशन पीरियड के बारे में। पीरियड शुरू होने के 14वें दिन से लेकर के 18वें दिन तक के पीरियड को ओवुलेशन पीरियड कहा जाता है। इस समय महिला का अंडा अंडाशय से बाहर निकल करके एस्पर्म का वेट करता है, यानी कि शुक्राणु का वेट करता है। इस टाइम जो अंडा होता है वो पूरी तरह से परिपक्व होता है निषेचन के लिए। अगर इन 4 दिन में शुक्राणु का अंडे से मिलन हो जाए तो 100% महिला जो है गर्भवती हो सकती है, आपकी प्रेगनेंसी लग सकती है। और जो हमारा ओवुलेशन पीरियड होता है ये बहुत ही उचित समय होता है किसी भी महिला को गर्भवती होने के लिए। अगर आप गर्भवती होना चाहते हैं तो आप अपने ओवुलेशन टाइम को जरूर नोट करें और इस टाइम पे आप जितना हो सके संबंध बनाएं। अगर आप बच्चा नहीं चाहती हैं तो इस 10 दिन को अवॉइड करें, जो आपका ओवुलेशन पीरियड है उसको तो अवॉइड करें, साथ में ही आपका जो 10 दिन 10 तारीख से 20 तारीख का जो आपका ओवुलेशन का पीरियड मैं बताई हूँ इसको अवॉइड करें तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं लगेगी।
लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी संबंध बनाएं तो एक सुरक्षित तरीका जरूर अपनाएं, या फिर आप पीरियड का जो उचित टाइमिंग है उसको ध्यान में जरूर रखें। आशा है हमारी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आके जरूर कमेंट्स करें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब जरूर दूंगी। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।